अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दर्स नंबर 3 है। कल हमने अल्फाज मायने किए थे, आज हमने हम्द की पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लेंगे। पहला लफ्ज है हमारा इंसान, इंसान, इंसान। वेरी गुड, मेरे साथ साथ पढ़े। हैवान, हैवान, हैवान। सीधी, सीधी, सीधी। बढ़ाने, बढ़ाने, बढ़ाने। सिखाने, सिखाने, सिखाने। बाघों, बाघों, बाघों। फलों, फलों, फलों। अक्कल, अक्कल, अक्कल। नेक, नेक, नेक। राह, क्या है लफ्ज़ ये? राह, यानी इसका मतलब होता है रास्ता। राह। दिखा, दिखा, दिखा। अब हमने मुश्किल पास पढ़ लिए हैं, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, हम्द। अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। इंसान, हैवान, सीधी, बढ़ाने, सिखाने। तरन्नुम से ही पढ़ेंगे नज़म। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई। जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए। तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है। हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे। मेरे मौला मेरे दाता, सब है तेरे, तू है सबका। अब हमने नज़्म की पढ़ाई कर ली है, आपने भी इसकी अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। यहाँ पर जमात का काम और तारीख आपने लाजमी लिखनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन लगाकर जमात का काम और आज की तारीख भी लिखेंगे दोनों सफ़ात पर। अब हम अमली किताब का काम करते हैं। अब ये आपका अमली किताब का सफ़ा नंबर 7 है। सबसे पहले आपने जमात का काम और तारीख लिखनी है, फिर है मसफतों से मिलाएं। मसफते किसे कहते हैं? आ ओ ई ए, ये आ ओ ई और ए, ये मसफते हैं। इनके साथ हमने लफ्ज़ मिलाकर नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे पहला लफ्ज़ है हार, इसको आ से मिलाया तो हारा, ओ से मिलाया तो हारो, ई से मिलाया तो हारी और ए से मिलाया तो हारे। ठीक है, हारा, हारो, हारी, हारे। इसी तरह आपने बकिया अल्फाज करने हैं हिल तक। ये हमारा आज का दर्स था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।